अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट आशिर खान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में हैदराबाद में एक डीकेजर टेक्नोलॉजीज के नाम से एक स्कैम आप लोगों के सामने आया, जहां पे अबाउट 500 करोड़ का ये स्कैम है। 18,000 लोग इसमें पैसे लगा के जो है ना इसके विक्टिम बने। ये FIR हुई इसमें, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही, एक्शन ले रही, बोल के ये लोग को तयखून देते जा रही बार बार। पिछले एक महीने में हुआ ये कि जो इसमें अक्यूज है वो लोग हाई कोर्ट को बेल के लिए अप्रोच करें। इसमें हम फॉर डिफैक्टो कंप्लेनेंट अपीयर हुए और इसकी आर्ग्यूमेंट हुई और इसमें अपोज करें, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन ओनर है इनकी बेल हाई कोर्ट रिफ्यूज कर दी है। सेकेंड जो ओनर है ये कंपनी के, उन्होंने इसमें हाई कोर्ट को कॉश को डाले, इसमें भी हम अपीयर होकर जो ना मल्टीपल हियरिंग्स में मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स चले, हम ये कॉश को अपोज करें। अब ये कॉश रिजर्व फॉर ऑर्डर्स है। हमको तेलंगाना हाई कोर्ट से पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि ये कॉश नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्राइम हुआ, 18,000 लोग इससे मुतासर है और 18,000 लोग के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इस दरमियान पुलिस का जो रवैया था वो काफ़ी कोताही भरा लगा हमको। बार बार दो पुलिस तयखून देते जा रही थी कि हम काम कर रहे हैं, अक्यूज को अरेस्ट करेंगे, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट अमल में नहीं आया। लिहाजा आज हम DCP और ACP CCS के खिलाफ हाई कोर्ट में केस डाले। हाई कोर्ट में हमारा केस एडमिट हुआ और हाई कोर्ट की तरफ से हमको ऑर्डर ये आया कि जवाब तलब करें, वो लोग ACP और DCP CCS से जवाब तलब करें कि इसमें आप क्या इन्वेस्टिगेशन करें, अभी तक क्या इंक्वायरी करें बोल के। हमको अब उम्मीद है कि क्योंकि अब हाई कोर्ट इन्वॉल्व हो चुका है केस में, उम्मीद है कि कम से कम अब पुलिस कोताही छोड़ेगी और जो है ना अक्यूज जो है इनको लेकर आके अरेस्ट करके आगे कार्रवाई तेजी से बढ़ाएगी। जी लेकिन अभी तक अरेस्ट अमल में नहीं आया, तो वो लोग बार बार अश्योरेंस तो दे रहे हैं लेकिन अब तक कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं मिला हमारे को इसमें। जी नहीं, इसमें अभी तक कोई स्पेशल टीम लगी नहीं, बस वो लोग अरेस्ट कर रहे हैं बोल के बोले। हाँ, अलबत्त एक बार ये हुआ, अक्यूज के एक फार्म हाउस पर जाके मल्टीपल बॉक्सेस में पैसे ये लोग सीज करें। तो आप देखिए, जब पैसे सीज होते पंचनामा होता और उसके अंदर मीडिया एक जो है ना रिप्रेजेंटेशन देते, या मीडिया में पुलिस वाले आगे आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, प्रेस रिलीज करते, अबाउट 1.7 करोड़ रुपीज शायद फ्रीज हुए। वो अभी तक पुलिस जो है ना उसका डिटेल खुलासा नहीं करे। जब ये लोग बेल को डाले हाई कोर्ट में, हम अपोज कर रहे थे, उस दरमियान में ये बात जज के सामने रखा, उसके बाद जो पुलिस के लॉयर है बोले कि 1.7 करोड़ रुपीज फ्रीज हुए बोल के, उससे पहले अभी तक हमारे नहीं बोले कि कितना अमाउंट फ्रीज हुआ बोल के। तो यहाँ पे पुलिस बहुत एक लेट बैक अप्रोच जो है ना इख्तियार कर रही है और सैटिस्फैक्ट्री काम नहीं कर रही है। उनके वकील बोल रहे हैं ऐसा कोर्ट में, और हमारा नहीं है, दूसरे अक्यूज का है बोल के बोल रहे थे वो। अब इसमें यह है कि देखिए, मैं लोगों को बोलना चाहूंगा सोशल मीडिया पे और हैदराबाद में हर जगह बोल रखे, जो विक्टिम्स है ये लोग लालच में आके करे, हिरस में आके करे, मेहरबानी बा मेहरबानी आप लोग ऐसे अल्फाज मत करिए, ये लोग ऑलरेडी परेशान लोग हैं, ये लोग कोई लालच में हिरस में नहीं, एक उम्मीद में आस में कि